हेलो दोस्तों, लेवल एप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसके राइटर हैं स्टीफन आर कोवे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। किताब में स्टीफन आर कोवे द्वारा प्रोएक्टिव व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों की प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। किताब पाठकों को एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कोवे की सात आयतें जैसे कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और सी फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट और रणनीति प्रदान करते हैं। परिचय, ये इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को पूरी तरह अपनी धारणाओं से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के लिए हमको अपनी धारणा बदलनी होगी। हम सब सफल होना चाहते हैं, और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमारी यात्रा में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक प्रभावी लोगों के साथ आदतें, नंबर वन सक्रिय होना, नंबर टू दिमाग में अंत के साथ शुरुआत, नंबर थ्री पहली चीज़ें पहले ही रखना, नंबर फोर जीतने के बारे में हमेशा सोचना, नंबर फाइव पहले दूसरों को समझाना फिर खुद को समझाना, नंबर सिक्स तालमेल बनाना, नंबर सेवन नज़र तेज रखना। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती हैं? इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसान के बारे में पता चलता है जो कि बहुत सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की व्यक्तिगत विकास के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्दी संबंध बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। हम जिस तरह से समस्याओं को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। हमें खुद को प्रतिमान विस्थापन से बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद का केवल रवैया या व्यवहार नहीं, बल्कि खुद को मौलिक रूप से बदलना होगा। ये हैं बेहद असरदार लोगों की सात आदतें। आदत एक, दो और तीन रखने वाले बहुत असरदार लोग होते हैं, जो आत्म महारत पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आज़ादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत चार, पाँच और छः रखने वाले लोग टीम वर्क, सहयोग और संचार कौशल बढ़ाने पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आज़ादी की तरफ पढ़ते हैं। आदत साथ रखने वाले लोग विकास और सुधार पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। नंबर वन सक्रिय रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से यह अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार को जांच करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। यह किताब हमें यही बताती है। प्रतिक्रियात्मक लोगों का निष्क्रिय दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीज़ें उनके हिसाब से हो रही हैं। वो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक लोग खुद को पीड़ित और नियंत्रण से बाहर महसूस करते हैं। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये कह सकते हैं कि वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे स्टीफन का मानना है, एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा जवाब देना है इसको अच्छे से चुन पाना। सक्रिय होने के लिए हमें अपने प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, उस पर फोकस करना, जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, ना कि उस प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है। सक्रिय के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीज़ करें। प्रतिक्रियाशील भाषा को सक्रिय भाषा के साथ बदल दें। नंबर वन प्रतिक्रियाशील, ये मुझे पागल कर रहा है। नंबर टू सक्रिय, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूँ। नंबर थ्री अपने काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना। नंबर टू अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दिमाग में एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करना,
स्टीफन कहते हैं कि हमको अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए, अपने विजन को देखने में हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों को खुद को व्यस्त रखने में आसानी होती है। हम जीत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जैसे प्रमोशन लेना, ज़्यादा आय और ज़्यादा पहचान के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हम इस व्यस्तता के पीछे क्या मतलब है ये मूल्यांकन नहीं करते। हम खुद से ये नहीं पूछते कि अगर इन चीज़ों पर हम वास्तविक रूप से फोकस कर रहे हैं तो हमारे लिए कितनी मैटर करती है। दूसरी आदत हमें ये सुझाव देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए, एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज़ सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की दक्षता को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी संगठन के लिए होता है। इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें, हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया में हो सकता है खुद के कुछ मूल्यों को बदलने या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े। रीस्क्रिप्टिंग को स्टीफन व्याख्या करते हैं कि यह ऐसी अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है, और इन स्क्रिप्ट को एक सक्रिय इंसान बदलता है जो नई वैल्यू का निर्माण करता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी के केंद्र में है वही हमारी सुरक्षा, मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज़ के लिए जाने वाले फैसले, कार्य, प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीज़ करें। नंबर 1, अपने खुद के अंतिम संस्कार को डिटेल में देखना। वहाँ कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहा है, कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। इस बात को ज़रा सोचिए कि अगर आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ 30 साल हैं जीने के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएँ कैसे बदलेंगी। नंबर 2, अपने जीवन में अपनी अलग भूमिका को तोड़ना, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो। और 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं। नंबर 3, जिस चीज़ से आप डरते हैं उसे प्रभावित करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि लिखें, फिर उसे विजुलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुलाइजेशन को लिखें। नंबर 3, पहली चीज़ें पहले रखो। खुद को प्रभावशाली तरीके से प्रबंध करने में हमें महत्वपूर्ण चीज़ों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है, ताकि दिन प्रतिदिन आप अपनी चीज़ों को प्राथमिकता करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है और कौन सी बहुत अत्यावश्यक है। इस बात पर इसी किताब में बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यू को निर्धारित करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं उन्हें हासिल करने के लिए। आदत 3 में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें दिन प्रतिदिन पल पल प्राथमिकता देना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों को ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। नंबर 4, फायदे का सौदा सोचो। एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध होना होगा, जो दोनों तरफ से संतोषजनक और लाभकारी होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन के 6 उदाहरण देते हैं। नंबर 1, फायदे के सौदों में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें समझौते और समाधान दोनों पार्टीज़ के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 2, जीतना और हारना। अगर मैं जीता तो तुम हारे, ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, शक्ति, साख और व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, जीतना हारना। मैं हारा तो तुम जीते, इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको लोकप्रिय होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। नंबर 4, हारना। इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब दो जीत हार लोग मिलते हैं, तब दो दृढ़ निश्चयी, जिद्दी, अहंकार से भरे दो लोग मिलते हैं, और ऐसे में परिणाम होगा लॉस। नंबर 5,
जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। नंबर 6, जीतना ही है वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर लाभकारी हों, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है, वो है खुद की बहुतायत मानसिकता की सोच को बनाए रखना और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुतायत में चीज़ें हैं। बहुत से लोग कमी वाली मानसिकता के साथ काम करते हैं, मतलब अगर कुछ आपको मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बिखराव की मानसिकता होती है, वो बहुत मुश्किल समय से गुजरते हैं और दूसरों की सफलता से कभी खुश नहीं हो पाते हैं। जब पारस्परिक नेतृत्व की बात आती है, जितना ज़्यादा असली हमारा चरित्र होता है, उतनी हाई लेवल की उत्पादकता होती है। जितने ज़्यादा टाइम हम जीत के लिए प्रतिबद्ध होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी प्रभाव शक्ति होगी। फायदे के सौदे को प्राप्त करने के लिए समस्याओं, तरीकों और लोगों पर फोकस ना करके परिणाम पर फोकस करना चाहिए। खुद को जीत के स्थिति में पाने के लिए चुनौतियाँ दें। नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की। किसी को सलाह, सुझाव और समाधान देने से पहले दूसरे इंसान के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करें, ताकि हम उनका परिप्रेक्ष्य को ध्यान से सुनें और समझें। मान लीजिए आप एक आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि आपको साफ देखने में दिक्कत आ रही है। उसमें वो आपको अपना चश्मा देता है और बोलता है कि ये कोशिश करो, मेरे लिए सालों से काम कर रहा है। आप वो चश्मा लगाते हैं, लेकिन वो आपकी समस्या को और पहले से ज़्यादा ख़राब कर देता है। क्या चांस है कि आप उस डॉक्टर के पास दोबारा वापस जाएंगे? दुर्भाग्य से यही चीज़ हम दूसरों के साथ बातचीत करते समय करते हैं। समस्या समझने से पहले हम समाधान देने लगते हैं। आदत 5 कहती है कि हम समझे जाने से पहले हमें समझना होगा और समझने के लिए हमें सुनना सीखना होगा। किसी को प्रभावी ढंग से सुनने के लिए मौलिक रूप से बदलना होगा। हमें सबसे पहले समझना होगा कि ज़्यादातर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। वो लोग हर समय या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टीफन बताते हैं कि संचार विशेषज्ञ ये अनुमान करते हैं कि 10% संचार हमारे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं, 30% हमारी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है, 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज का प्रतिनिधित्व करती है। आदत संख्या 5 का दूसरा हिस्सा, जिसमें यह समझना कि ये उतना ही मुश्किल है जितना जीत की स्थिति को पाना। यहाँ कुछ उदाहरण हैं दूसरों को पहले समझने के लिए। अगली बार जब आप लोगों को बात करते हुए देखते हैं, तो अपने कान बंद करके देखें कौन सी इमोशन की बातें हो रही हैं जो सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं हो सकती। कौन सा इंसान बातों में ज़्यादा दिलचस्प है जो आपने नोटिस किया, उसे लिखें। नंबर 6, तालमेल बिठाएं। दूसरों के मूल्यों को समझने के लिए हमें तालमेल रखनी होती है, जो हमें नई संभावनाएं, खुलापन और रचनात्मक देती हैं। तालमेल नए विकल्प और नई संभावनाओं का सृजन करती हैं। ये हमें अनुमति देते हैं कि हम पुराने तरीकों को भूलकर नए विचारों पर काम करें। इस आदत को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आदत 4 और 5 का इस्तेमाल करना होगा। आपको जीत की स्थिति के बारे में सोचना होगा और दूसरों को समझाना होगा। जब आप ये करते हैं, तो आप खुद को दूसरों को एक तरफ में रख के सोचते हैं, उनकी समस्याएं और उनकी ज़रूरत को समझते हैं और एक विकल्प निकालते हैं जिससे उनकी मदद हो सके। ये एक परिवर्तन है, इससे उन्हें वो मिलता है जो उन्हें चाहिए और इसी प्रक्रिया में संबंध का निर्माण होता है। तालमेल का वास्तविक सार है अंतर को वैल्यू करना, चाहे वो मानसिक हो, भावनात्मक हो या मनोवैज्ञानिक। जब हम अपने पर्सपेक्टिव का विस्तार करते हैं, तो इससे दूसरों के मूल्यों में भिन्नता को महत्व दे पाते हैं। इंटरडिपेंडेंट स्थिति में खुले रहने के लिए दूसरों को भी प्रोत्साहित करना। उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो आपको इरिटेट करते हैं। अब एक इंसान को चुनें, उनके कितने अलग विचार हैं। एक मिनट के लिए खुद को उनके स्थान पर रख कर देखें, सोचें और समझें कि उनको कैसा लग रहा है। तब आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब अगली बार जब आप उसी इंसान के साथ सहमत नहीं होंगे, उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें कि वो आपसे सहमत क्यों नहीं है। जितना बेहतर आप समझ पाएंगे, उतना ही उनका और आपका मन भी बदलेगा। नंबर 7, नज़र को तेज करें।
प्रभावी बनने के लिए हमें खुद को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बदलना होता है। जब हम खुद को निरंतर परिवर्तन की अनुमति देते हैं, तब जाके हम सारी आदतों को अच्छे तालमेल के साथ अभ्यास कर पाते हैं। आदत साथ बदलाव पर फोकस करता है और नज़र को तेज करने के लिए समय लेता है। ये सभी दूसरी आदतें से घिरी हुई है और अपनी सबसे बड़ी एसेट को बढ़ाता है, वो है अपने आप को। यह हमारे प्रकृति के चार आयाम हैं और सबको रोज़ और संतुलित तरीके से अभ्यास करना ही चाहिए। शारीरिक आयाम, शरीर के व्यायाम के लिए लगातार शारीरिक सुधार जरूरी है, जिससे हमारे काम करने की क्षमता के साथ हम आनंद भी ले सकते हैं। खुद को शारीरिक रूप से बदलने के लिए हमें 1. अच्छा खाना खाना, 2. अच्छे से आराम करना और रिलैक्स रहना, 3. नियमित व्यायाम से खुद का धैर्य लेवल, लचीलापन और ताकत का निर्माण करना। हमें अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति को बदलने में जीवन का नेतृत्व प्रदान करें, जैसे हमारी मूल्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्धता की शक्ति को बढ़ाता है। खुद को आध्यात्मिक रूप से बदलने के लिए आप ये कर सकते हैं। 1. रोज़ ध्यान करना। 2. प्रकृति के साथ बातें करना। 3. खुद को अच्छा संगीत सुनने के लिए और अच्छे साहित्य में ज़्यादा शामिल हों। मानसिक आयाम, अपने मानसिक स्वास्थ्य को नवीनीकरण करने के लिए अपने दिमाग को लगातार बढ़ाना होता है और यही मुख्य लक्ष्य है। खुद को मानसिक रूप से बदलने के लिए हम ये कर सकते हैं। 1. अच्छी किताबें पढ़ना। 2. अपने पास खुद के विचार, अनुभव और अंतर्दृष्टि का जर्नल रखना चाहिए। 3. टीवी उतना ही देखें जितना आपका जीवन और आपके मन पर अच्छा असर पड़े। टीवी सीमित रूप से देखना ही सही रहता है। सामाजिक और भावनात्मक आयाम, सामाजिक और भावनात्मक आयाम को बदलने से रिश्ते विकसित होते हैं। अपने आप में भावनात्मक नवीनीकरण करने के लिए आप ये कर सकते हैं। दूसरे लोगों को गहराई से समझना चाहिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान अच्छे प्रोजेक्ट्स में देना चाहिए, जिससे कि दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलें ताकि आप दूसरों को सफल बनाने में मदद कर सको। जैसा कि हम बदलाव की बात कर रहे हैं, इन चार आयामों के साथ हमें दूसरे इंसानों में सकारात्मक चीज़ें देखनी चाहिए। हमें दूसरों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वो अच्छे रास्ते पर खुद को विश्वास के साथ देखें, और उनको ध्यान से सुनना चाहिए और एक्टिवली प्रोत्साहित करना चाहिए। नवीनीकरण और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें लगातार सुधार और विकास में मदद करता है। खुद को बदलने वाली गतिविधियाँ की लिस्ट बनाएं, जिससे आपको मदद मिले उन सभी चार आयामों के साथ जो आपको बताए गए हैं। एक आयाम के साथ एक गतिविधि चुनें जो आपका साप्ताहिक लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। सप्ताह के अंत में आपको अपनी प्रदर्शन करनी चाहिए, जो आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने में और सफलता दिलाने में मदद करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और ये बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।